गाइज वेलकम बैक माई चैनल पी एवरी साइज। सो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसी रेमेडी जिसमें आप 5 मिनट्स में अपने फेस पे बहुत जल्दी ही वाइट एंड ब्राइटनिंग ले आओगे। या गाइज बहुत जल्दी वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग आ जाएगी इस रेमेडी से सिर्फ 5 मिनट्स में। आपको कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई पैसे नहीं खर्चने हैं, बहुत आसानी से आप इसे घर पे ही अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो या गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज यहाँ पे मैंने ली है कॉफी, आधा चम्मच यहाँ मैंने कॉफ़ी ली है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ उससे थोड़ा सा कम चीनी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने नेस्कॉफ़ी ली है, आप चाहे तो कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक टमाटर, इसे हम बीच में से कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने कट कर लिया है। अब हम टमाटर को अपने फेस में अच्छे से मसाज करेंगे कॉफ़ी और चीनी के साथ। इस तरीके से हम लगा लेंगे यहाँ पर, ये देखिए, और अच्छे से अपने फेस को पे इसको मसाज देंगे। गाइज जो कॉफ़ी होती है वो हमारी स्किन को बहुत अच्छा हाइड्रेट करती है, और जो टमाटर होता है वो हमारी स्किन के ब्लैक स्पॉट जो होते हैं और वाइटनिंग ग्लोइंग करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो गाइज ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हमारी स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, ग्लोइंग, वाइटनिंग और ब्लैक स्पॉट को हटाने में। और अब अच्छे से यहाँ पर हम अपने फेस को देंगे अच्छे से मसाज। इस तरीके से हमें गोल गोल घुमाते जाना है, और ऊपर की तरफ को घुमाना है, नीचे की तरफ को बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ आपने अच्छे से ध्यान रखनी है। और यहाँ पे मैं अच्छे से अपने फेस को इस तरीके से लगा लूँगी इसको, ये देखिए। और जो ये टमाटो का रस निकल रहा है ना गाइस, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इससे हमारी स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो आता है। तो जितना इसका रस निकल रहा है हमारे फेस पर, एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा फेस, उतना ही अच्छी है, उतना ही अच्छा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से फटाफट से मसाज कर रही हूँ। नॉर्मल आपको 4 से 5 मिनट अपने फेस को अच्छे से मसाज देना है। आप इसी तरीके से मसाज देंगे तो आपको सीरियसली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे हमें ज़्यादा देर मसाज नहीं देनी है, मिनिमम 5 मिनट ही देनी है। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये सूखने लग गया है। और जैसे ही आपको लगेगा ना आपकी चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो रही है, तो वहीं पे आपको अपना मसाज देना बंद कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरी चीनी मेल्ट हो रही है मेरे फेस में। तो बस अब मैं हाथों की हेल्प से अच्छे से इसको मलूंगी, जैसे हम अपना फेस वॉश करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर हमें अपना हाथ चलाना है, कि जैसे हम अपना फेस वॉश करते टाइम अपने फेस पर हाथ कर मारते हैं ना, उसी तरीके से ये देखिए इस तरीके से चलाना है हमने, कि ये जो कॉफ़ी है ये सारी चीज़ें हैं अच्छे से हमारे फेस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं, और डर्ट जितनी भी गंदगी है वो सारी अच्छे से रिमूव हो जाए। तो या गाइज यहाँ पे मिनिमम मैंने आधा से एक मिनट अच्छे से हाथों की हेल्प से अपने फेस को मल लिया है। अब यहाँ पे मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। तो गाइज यहाँ आप देख सकते हो मैंने यहाँ फेस वॉश कर लिया है। यहाँ मैंने कोई भी मेकअप यूज़ नहीं किया है। आपको लगेगा शायद मैंने मेकअप किया है, तो मैंने यहाँ बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया है। और सीरियसली आप मेरी स्किन पे ग्लो देख सकते हो, कितना अच्छा ग्लो आया है, कितनी अच्छी मेरी स्किन हो गई है, और बहुत अच्छी वाइट भी लग रही है। ये देखिए कितनी अच्छी वाइटनिंग आ गई है मेरी स्किन पे सीरियसली गाइस 1 यूज़ में ही। सो गाइस आप भी इसे वीक में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बड़ी है जो बहुत आसान तरीके से बन भी जाती है। दिस मैंने आपको अप्लाई करके बता भी दिया कि इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है। फर्स्ट यूज़ में ही आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। एंड दिस नाउ इसे आपने हर वीक एक बारी ज़रूर लगाना है। एंड दिस वीक में आप कभी भी इसे अप्लाई कर सकते हो, बट वीक में एक बारी इसे ज़रूर आपने अपने फेस पे लगाना है। एंड दिस इससे आपके जितने भी ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। एंड दिस बहुत ज़्यादा वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग फेस पे तो आती है, साथ में आपका फेस है जो बहुत अच्छा ग्लो भी करता है। तो या गाइस आप भी इस रेमेडी को ज़रूर अपने फेस पर अप्लाई कीजिएगा। इससे आपके फेस को कोई हार्म नहीं होता है, आइज़ को भी कोई हार्म नहीं है, बेनिफिट ही मिलेगा। तो या गाइस आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो गाइज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। एंड दिस अगर आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो फटाफट से जाके प्रेस कर दीजिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।